आज हम बनाएंगे झींगा आलू और चना की सब्जी। तो ये देखिए दोस्तों, हम झींगा को काट लिए हैं पतला पतला और आलू भी इसी में मिक्स कर दिए हैं। और इधर देखिए चना भी है, चना को कल कोई भीगने दे दिए थे। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बहुत दिन के बाद हम आज आए हैं। तो मैं देखिए रेसिपी लेके आए हैं, एक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों। तो देखिए अभी हम बनाएंगे झींगा और आलू चना की सब्जी। तो कैसे बनता है पहले हम झींगा आपको दिखा देते हैं। इधर देखिए ये रहा चना, झींगा और आलू मिक्स करके हम काट लिए हैं सभी को, और बहुत अच्छा से हम काट लिए हैं पतला पतला। इसको आप चाहे तो इसको ज़्यादा मोटा भी काट सकते हैं, चार टुकड़ा भी कर सकते हैं, जितना हो सके उतना काट सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा कट गया है फाइनली। और हम अभी क्या करेंगे, पहले कढ़ाई में तेल गरम होने दे दिए हैं। इधर देखिए तेल गरम हो रहा है मेरा, तो चूल्हा को थोड़ा हम आगे कर लेते हैं, पूरा गर्म हो गया है। और ये कढ़ाई थोड़ी टेढ़ा लगता है तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, गर्म तो बहुत ज़्यादा ही है। और इधर हम मिर्चा काट के रखे हैं इसी पर। तेल गरम होने के बाद पहले हम जीरा इसमें डालेंगे। जीरा देखिए मेरा ब्राउन हो रहा है, ज़्यादा जलाना नहीं है, जलने से अच्छा नहीं लगता है, तो हमको तो जला हुआ ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए ब्राउन हो गया। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यही वाला उठा करके हम दाल छोक लेंगे। ये कुकर में मेरा दाल बना हुआ है तो इसमें हम डाल के छोक लिए दोस्तों, हो गया ये। इधर ये हो रहा है ना ब्राउन, ज़्यादा जल जाएगा, इसीलिए इसमें हम मिर्चा जो काटे थे वो रख के डाल देते हैं। एक साथ में दो काम हो गया। इधर देखिए दाल भी छोका गया, इधर मिर्चा देखिए हो गया है पक गया। तो अब इसमें हम झींगा डालेंगे, सभी डाल देते हैं सभी को, चना ये सब सब मिक्स था। तो इसको हम चला लेंगे बढ़िया से। दो मिनट इसको हम पका लेते हैं ढक के। और इधर इसमें देखिए मेरा चावल बना हुआ है। तो दोस्तों झींगा का सब्जी बनाने में बहुत आसान होता है और ये तुरंत पक जाता है, इसमें ज़्यादा तेल मसाला देने का ज़रूरत भी नहीं है और पानी भी छोड़ता है, तो बिना पानी से ही बन जाता है। ये झींगा में जो पानी रहता है ना उसी से पक जाता है। और दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। और दो मिनट हो गया है और अभी हम देखते हैं सब्जी कैसा हुआ। ये देखिए ये बहुत गर्म हो गया हुआ ना, इसीलिए हम इस कपड़ा से पकड़ेंगे इसको। और देखिए इधर अच्छा हो गया है। और इधर देखिए इसमें पानी आ गया है, ये देखिए। अभी इसमें नमक डाले भी नहीं है, सब पानी निकलना शुरू हो गया, झींगा गलना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे, झींगा में एक चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि झींगा पानी सूख जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम हो जाता है ना नमक, तेज लगने लगेगा। उसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर है ये, उसको भी ऐड कर दिए और सभी को बढ़िया से मिला देंगे। अब गलना शुरू हो गया है, देखिए पूरा पानी हो गया।
अब इसको हम ढक के बढ़िया से पकाएंगे 5 मिनट। ढक दिए बर्तन, हो गया। तो 5 मिनट के बाद देखेंगे कैसा हुआ सो। वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए। आई बृहस्पति है ना, इसीलिए इसमें हम प्याज नहीं डाले हैं, लहसुन नहीं डाले हैं। तो दोस्तों बृहस्पतिवार को लहसुन प्याज हम नहीं देते हैं और मीट वीट भी नहीं खाते, तो बृहस्पतिवार को नहीं खाना चाहिए, इसीलिए हम साधारण खाना बना रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि लहसुन प्याज मीट वीट कुछ नहीं होगा, जैसे कि शाकाहारी है ये। तो अभी देखिए 5 मिनट में हम आप लोग को दिखाते हैं सब्जी मेरा बन के तैयार हो जाएगा। अब 5 मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं सब्जी कैसा हुआ। इधर देखिए पूरा धुआं धुआं हो रहा है ना, क्या पता सब्जी कैसा बन रहा है। देखिए इधर अच्छा से बन गया बहुत ही। तो दोस्तों देखिए सब्जी बन के झींगा वाला तैयार हो गया है, और आप लोगों को पसंद अगर आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों आज का रेसिपी को हम यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।